हेलो फ्रेंड्स, आज पीएस न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत है। बहारो फूल बरसाओ, मोहम्मद रफी साहब की आपको बेहतरीन आवाज निकालने के लिए। चांद छुपा बादल में, उदित नारायण जी की भी आवाज निकालनी अगर आपको चाहिए। अलग अलग आवाज है हमारे पास, लेकिन बात ऐसी है कि अगर आपके आवाज में वो वाइब्रेशन ही नहीं है तो वो आप उसे कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, मेरा तो यही रिसर्च है। तो आ और हा की जो हमने दो चार एपिसोड में आपको प्रैक्टिस बताई है तो वो आप कीजिए, आधा घंटा एक घंटा सुबह शाम कीजिए, जिससे आपको वो वातावरण में आप घुल मिल जाए। हा इससे आपका ये जो आ और हा पेट टक का वो कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगा, तब जाके वो मज़ा आएगा। तो उससे आपकी फिर वो जो वाइब्रेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तब भेजेंगे वो बहुत मजा आएगा भैया। आए तो बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमाम किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। तो नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ गले से गाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिंगर होता है वो पेट से हवा ऊपर तक की उनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होने के वजह से उनको बेहद आसान हो जाता है। और वो वाइब्रेशंस के लिए वो जो हम सांस लेते हैं वो पुर जाती है 1 से 2 मिनट तक, एक अंदाज से आधा मिनट तो आराम से पुर जाती है, मीन्स वहाँ तक उनके लिए वो यूज़ करते हैं। यही फ़र्क होता है नॉर्मल बिना प्रैक्टिस वाला व्यक्ति और प्रैक्टिस वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच। ये नया नया रिसर्च आपके सामने हम पेशे खिदमत कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है। इसमें आपको हा जो अक्षर है वो सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो हा हमने धीरे धीरे उसको कॉम्बिनेट किया आ से, तभी जाके वो ये वाइब्रेशंस क्रिएट हो चुके हुए हैं, हो गए है। अब जो मैं गा रहा हूँ तो ये वाइब्रेशंस के लिए जो वो सांस लगता है, ऑक्सीजन लगता है, वो हमारे पेट से ऊपर तक उसे मैच कर रहा है, और वो तभी जाके वो इतने देर तक हम इसे वाइब्रेट कर गा पा रहे हैं और वाइब्रेट कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से वो होता है भाई ऐसा कॉम्बिनेशन। आ और हाँ, हमारे पिछले वाले भी एपिसोड देखिए आप, उसमें भी आपको हा इस तरह से वो आता है। तो नए एपिसोड में और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।